शिवाय। चैत्र मास अमावस्या तिथि शनिवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 7:45 तक लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 1:35 तक रहेंगे, तत्पश्चात मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक साहसी, अनुशासन प्रिय, आशावादी, महत्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले, तकनीकी और शिक्षा शास्त्र में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक ईश्वर भक्त, सम्मान और प्रसिद्धि पाने वाले भी होते हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है। संवत 2074 का आज अंतिम दिन चल रहा है। कल से संवत 2075 प्रारंभ होगा और हिंदू धर्म के नए वर्ष की शुरुआत होगी। आइए आज के साधारण नामक संवत्सर के अंतिम दिन पूरे वर्ष में जो भी खट्टे मीठे अनुभव जीवन में मिले हैं उनका हृदय से ईश्वर को धन्यवाद करें और नए वर्ष का स्वागत हर्ष और उल्लास से करने की तैयारी करें। आज शनिवार है और साथ ही अमावस्या भी है। एक चतुर्मुखी तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर प्रार्थना करते हुए 7 परिक्रमा करें और घर चले आएं। पीछे मुड़कर ना देखें। यह कार्य आप हर अमावस्या को भी कर सकते हैं। यह उपाय लाभदायक सिद्ध होता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज नई नई व्यावसायिक प्रेरणा मिलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में उत्साह और सक्रियता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के कई मौके सामने आएंगे। दोपहर बाद चंद्रमा के मीन राशि में जाने से अच्छे कामों में खर्च की स्थिति और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्तता बढ़ेगी। कुटुंबियों के प्रति सामंजस्य में कमी और पारिवारिक विवाद की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए कोई भी संबंधी या रिश्तेदार प्रेरणा स्रोत का काम कर सकता है, जिससे उचित मार्गदर्शन मिलेगा। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी और उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। वृष राशि वाले जातकों को नई नई कार्य योजनाओं के अवसर मिलते जाएंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। रुकी हुई योजनाएं या अधूरे पड़े अनुबंध लागू होंगे। आपके परिश्रम और बुद्धि कौशल का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। पूंजी निवेश के नए अवसर सामने आएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य योजनाओं में उत्थान का योग चल रहा है। नए अनुबंध के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। थोड़ा धैर्य और संयम से काम लेना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में पत्नी की सलाह और प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और संबंधों में निकटता आएगी। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी और शैक्षणिक कार्यों से लाभ मिलेगा। आज देव दर्शन के योग बनते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपने इष्ट देव की प्रेरणा मिलती रहेगी। दिन का समय भाग दौड़ और व्यस्तता में बीतेगा, मगर दोपहर के बाद राहत मिलेगी और मानसिक शांति महसूस होगी। आर्थिक लाभ की नई योजनाएं सामने आएंगी और उन्हें क्रियान्वित करना लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। धार्मिक भावना बढ़ेगी और छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। सिंह राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। एलर्जी व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। व्यावसायिक योजनाओं को बल मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम और उत्साह की स्थिति कायम रहेगी। मित्रों का सहयोग और रिश्तेदारों की प्रेरणा लाभदायी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी। कन्या राशि के जातकों को व्यावसायिक सावधानी रखनी चाहिए। व्यावसायिक योजनाओं में रुकावट या वाद विवाद की संभावना बनती है। आवश्यक संसाधनों के कारण तनाव या अड़चनें संभावित हैं।
साझेदारी के कामों में दूसरे की दखलंदाजी हो सकती है जो आर्थिक लाभ को प्रभावित करेगी। अध्ययन अध्यापन में रुकावट व संतान संबंधी चिंता हो सकती है। दोपहर के बाद का समय पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि कराने वाला होगा और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन मिला जुला फल देगा। आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास का साथ दोपहर तक मिलता रहेगा और मन मुताबिक काम होते जाएंगे। व्यावसायिक उत्थान में आपकी सहभागिता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, मगर दोपहर के बाद का समय मानसिक दबाव और विषमताओं को बढ़ाने वाला होगा। मन में नकारात्मक विचारों का आना और विवाद की स्थिति संभावित है। आवश्यक संसाधनों के लिए पूंजी की गहरी आवश्यकता महसूस हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। स्वयं के स्वास्थ्य पर आज ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलता भरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम का लाभ मिलता जाएगा। व्यावसायिक सक्रियता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के लिए संबंधित विभागों का सहयोग मिलता जाएगा। आत्मविश्वास में मन माफिक सुधार मिलेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय अनुकूल है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और स्वास्थ्य संबंधी उचित दिशा निर्देश का पालन करते रहें। धनु राशि वाले जातकों के लिए मेहनत और परिश्रम का अनुकूल माहौल बना हुआ है। व्यावसायिक उत्थान की सकारात्मक प्रेरणा मिल रही है। प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। पारिवारिक प्रेरणा संबल के रूप में आपका साथ देगी। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक प्रयास सफल होंगे और अनावश्यक व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपके परिश्रम के अनुरूप कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अनुकूल दिशा निर्देश और प्रेरणा आपको मिलती जाएगी, जिसमें आपका ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में असमंजस और तनाव भरा हो सकता है, क्योंकि अमावस्या का असर चालू हो जाएगा। नाजुक रिश्ते प्रभावित होंगे और निजी संबंधों में कमी आएगी। फिर भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा और संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। साथ ही परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कुंभ राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और दृढ़ विश्वास आपके कार्य क्षेत्र को और मजबूती दिलाएगा। आर्थिक लाभ के नए नए अवसर सामने आएंगे। मित्र व सहयोगियों से लाभ संभावित है। साझेदारी के काम आज उचित नहीं होंगे। दोपहर के बाद ऊर्जा स्तर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, फिर भी आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, फिर भी मन एक अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी होगी। आँखों की एलर्जी व हड्डी संबंधी समस्याएँ संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों के मन में अंतर्द्वंद बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक मानसिक दबाव और नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति अनुमानित है। स्वयं के ही कार्यों पर भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी, मगर दोपहर के बाद मानसिक सुकून महसूस हो सकता है और अनुकूल माहौल का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्तीय मामलों में अधिक जोखिम वाले कामों से दूर रहें और सार्थक प्रयास जारी रखें। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।